टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र खास खास खबरों पर। चकवाल में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने ज़िला चकवाल की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सरकारी वाजिबात की वसूली, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन, सरकारी रेवेन्यू के बकायाजात की वसूली, शहरी इलाकों में सरकारी अराजी नाजायज़ काबजीन सेवा गुजार कराने और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। दरी असना चकवाल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद के लिए इब्तदाई इंतजामात में सख्त रवि का सख्त नोटिस लिया और मुतलका तामीराती महकमों के मुकामी इंतजामिया को अहकामात जारी किए हैं कि इंतजामात की बला ताखीर तकमील यकीनी बनाई जाए ताकि मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। कमिश्नर ने चकवाल में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल, लतीफ वाल में 20 बिस्तरों के अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के क्याम, रढ़ियाल बाईपास, चकवाल नादरन बाईपास और 500 केवी ग्रिड स्टेशन चकवाल की तामीर पर मबनी मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद के इंतजामात की तेज़ रफ्तार तकमील यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मॉनिटरिंग की हदायत जारी की। गुज़श्ता माह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मार्केट में 3920 अचानक छापे मार कर प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस दुकानदारों को मजमू तौर पर 13.25 लाख रुपए के जुर्माने किए, जबकि 24 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रवां माह के पहले 8 दिनों में 1175 अचानक छापों के दौरान प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए दुकानदारों को 4,49,000 से जायद रुपए के जुर्माने और 5 दुकानदारों के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया। ऑल वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल अल वजूद कलर कहार स्टेशन, तहसील प्रेस क्लब कलर कहार और वनहार मीडिया हाउस के मुश्तरका तआवुन से यौम इकबाल पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। लाइब्रेरियां हैं वो उनकी किताबों से भरी पड़ी हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उनको सिर्फ सजा के रखते हैं, हमारे घरों में भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे अहबाब होंगे जिनके घरों में हजरत अलामा मोहम्मद इकबाल अपनी ड्राइंग रूम की जीनत के लिए उसको रखती हैं। अगर इनको पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल में आपको हर चीज वहां से मिलेगी। कुरानों का कोई वारिस ना, हम तनख्वाहदार हैं ना ही हमने कोई इसमें से आमदन का जरिया को बनाया हुआ है, तो इसके लिए हमें अपने दोस्त मैं समझता हूँ कुरान और सुन्नत के बाद चीज पढ़ने वाली है तो इकबाल पढ़ने वाला है। बाद अज़ अल वजूद अहदेदारान और मेंबरान का इजलास हुआ जिसमें अल वजूद की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया और आइंदा की सरगर्मियों बारे हिकमत अमली तश्कील दी गई। आल वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चकवाल तलगंग स्टेशन के वफ्त ने टमर में सहाफ़ी महमूद अली शाकिर की यादत की। इस मौके पर वफ्त ने महमूद अली शाकिर को बहरीन में मुकीम मिसेज अनवर और अलवजुद्दीन मेम्बरान की जानिब से मुकम्मल इलाज मुआलजे की यकीन दहानी कराई। महमूद अली शाकिर को कल सिटी अस्पताल तलगंग मुंतकिल किया जाएगा। तलागंग मलकवाल के जवान साला कैमरामैन मोहम्मद बिलाल को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मलकवाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद बिलाल फतेह जंग में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद करंट लगने से मौके पर ही जहां बहक हो गए थे। SHO थाना सिटी तलागंग अली अकबर की निगरानी में पुलिस की शानदार कार्रवाइयां। सिटी के इलाका में कैम कबा खाने पर छापा मारकर खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया जिसकी तलाश जारी है। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम उमैर मंजर साकिन अदलखा के कब्जे से 30 बोर पिस्टल बम अम्युनिशन बरामद कर लिया गया। शहरियों की शिकायत पर तीसरी कार्रवाई में सिटी पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक भिखारी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ऑपरेशन शुरू होते ही भिखारी मिसरास्मी की फैल गई और कई भिखारी जेर जमीन चले गए। अवामी हलकों ने पुलिस कार्रवाइयों को सराहा है। पुलिस थाना लावा को नई गाड़ी फराहम कर दी गई। SHO मलिक आमिर शहजाद के मुताबिक नई गाड़ी मिलने से पुलिस कारकर्दगी पर अच्छा असर पड़ेगा।